कहीं प्यार ना हो जाए और हसीना मान जाएगी जैसी कई फिल्मों में साइड रोल में निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री पूजा बत्रा बॉलीवुड की एक बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से काफी स्टारडम हासिल किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज बीते हुए समय के साथ फिल्मों में साइड रोल निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री पूजा बत्रा कहाँ है, क्या करती है और कैसी दिखाई देती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको फिल्मों में साइड रोल निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री पूजा बत्रा से जुड़े इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभिनेत्री पूजा बत्रा का जन्म 27 अक्टूबर 1976 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई उत्तर प्रदेश से ही पूरी की थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में एक मॉडल के तौर पर की थी, जो कि इनकी पार्ट टाइम जॉब थी, जिसके चलते इन्होंने कई टीवी एड्स किए जिनमें सबसे ज्यादा लिटिल सोप के लिए इन्हें जाना जाता है, उसी से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। जिसके बाद ये एक लौती इंडियन लड़की थी जिन्होंने हेड एंड शोल्डर को रिप्रेजेंट किया, जिसके बाद ये 250 से ज्यादा रैंप वॉक और इवेंट्स में नजर आई और साल 1993 में इन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल होने का खिताब जीता, जिसके बाद इन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली और ये टॉप मॉडल बनने के लिए मुंबई आ गईं, जिसके बाद इन्होंने कई रैंप वॉक किए और साल 1997 में पहली बार विरासत फिल्म में नजर आईं, जिसके जरिए इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और इस फिल्म के बाद ये हमें भाई फिल्म में भी नजर आईं, जिसमें इनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया, जिसके बाद तो इन्हें एक के बाद एक कई फिल्में मिली, जिनमें कहीं प्यार ना हो जाए, दिल ने फिर याद किया, हसीना मान जाएगी और नायक जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें काम करके इन्होंने खूब शोहरत हासिल की। लेकिन अगर बात की जाए बीते हुए समय के साथ आए हुए बदलाव के बारे में, तो आपको बता दें कि पहले फिल्मों में जहां ये हमें कभी सूट सलवार, कभी साड़ी पहने हुए, तो कभी बेहद ही मॉडर्न ड्रेसेस जैसे जीन्स टॉप, शॉर्ट स्कर्ट टॉप, गाउन में खुले बालों के साथ, तो कभी खूबसूरत हेयर स्टाइल में काफी स्लिम ट्रिम और गोरी चिट्टी और यंग दिखाई देती थी, वहीं आज ये 45 साल की हो चुकी है और ज्यादातर हमें मॉडर्न ड्रेसेस में जैसे कि वन पीस, जीन्स टॉप, गाउन में, तो कभी डिजाइनर साड़ी में खुले बालों के साथ आज भी काफी स्लिम ट्रिम नजर आती हैं। मगर आज इनके चेहरे पर झुर्रियां और रिंकल्स साफ दिखाई देते हैं, जो कि इनकी उम्र को साफ जाहिर करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा हुआ है और साल 2021 में ये हमें स्क्वाड फिल्म में नजर आई थी। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि साल 2002 में इन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन सोनू एस अहलूवालिया से लॉस एंजलिस में शादी की थी, मगर सोच विचार मैच ना होने की वजह से साल 2010 में इन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद साल 2019 में इन्होंने एक्टर नवाब शाह से शादी कर ली, जिनके साथ आज ये मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको पूजा बत्रा के आज के हालातों से रूबरू होकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।